शहर कोतवाली में मंगलवार को यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव ने रैली में शामिल होकर हेलमेट पहनकर रोड पर निकले और यातायात जागरूकता का संदेश दिया। रैली शहर के पुलिस कोतवाली से शुरू होकर तालाब चौक, गणेश मंदिर, सराफा बाजार, राधा वल्लभ मार्केट, श्री कृष्ण तिराहा बस स्टैंड होते हुए वापस पुलिस कोतवाली पहुंची। इस मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री, SDOP रोहित तलावा, दीपेंद्र स्वर्णकार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर यादव ने यातायात जागरूकता को लेकर कहा, सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पुलिस और यातायात अमला प्रयासरत है। वाहनों को चाहिए कि सड़क पर चलते समय नियमों का पालन करें। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग न करें। रहवासी इलाकों में वाहनों की तेज गति न रखें, जिससे खुद के साथ दूसरों का भी जीवन बचाया जा सकता है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट हाईली एक्सीडेंट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ मैंने जो स्टडी किया है, लगभग 400 के आसपास लोग एक्सीडेंट में डेथ होती है। ये पुलिस मुख्यालय के निर्देश है कि हर महीने एक अवेयरनेस कैंपेन करें और एक दिवस को महीने में यातायात सुरक्षा दिवस के रूप में मनाएं। बात 31 मई है, 31 मई को हमने यातायात सुरक्षा के रूप में सेलिब्रेट किया है। इसे पूरे ज़िले में कई तरह के आयोजन हम करा रहे हैं, उसमें हेलमेट की अवेयरनेस के लिए हेलमेट मोटरसाइकिल रैली करा रहे हैं। बाकी जो लोग अच्छे वाहन चालक हैं, जो डिसिप्लिन चालक हैं, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी हम लोगों को जागरूकता ट्रैफिक रूल्स के लिए लेके आ रहे हैं। इसके अलावा जो ऑटो चालक हैं, जो ट्रक एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी अलग अलग संवाद कर रहे हैं। इससे लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता आए और जो हमारा लक्ष्य है कि दुर्घटनाओं में 10% की कमी हो, उसको लाने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े। ये पिछले दिनों अभी ये जो ट्रैफिक समिति की बैठक हुई थी, उसमें भी कई सारे निर्णय लिए गए, उनका भी इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे। आज की रैली शहर भर में ये लोगों को अवेयर कराने के लिए थी कि हेड इंजरी मेजर इंजरी है, जैसे डेथ होती है एक्सीडेंट्स में, हेड इंजरी से बचने के लिए आप हेलमेट पहने, हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा दें। आप खुद भी हेलमेट लगा के गाड़ी से निकले, निश्चित रूप से लोगों में एक संदेश जाना चाहिए कि लोग लगातार प्रयासरत हैं। अभी लोगों को अवेयर करेंगे, हेलमेट पहनने के लिए मोटिवेट करेंगे, इसके बाद फिर चालानी कार्रवाइयाँ होंगी, वो भी हम एनफोर्समेंट का काम भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।